step in to enjoy the tangible luxury. Yes, a project that redefines the boundaries of urban lifestyle. Hello and welcome to our channel Tri-City Property Guru. I am your host Mamta और आज इस वीडियो में हम एक नए प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज जुबली गोल्फ विस्टा बाय जुबली ग्रुप. प्रोजेक्ट की लोकेशन और कनेक्टिविटी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 91 मोहाली में, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है एयरपोर्ट रोड से विद इन द ड्राइव ऑफ 5 मिनट्स ओनली. एंड इन द कमिंग ईयर्स ये प्रोजेक्ट खरर लांड्रा हाईवे से भी डायरेक्ट कनेक्टेड होगा. अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ. ये प्रोजेक्ट का जो टोटल एरिया रहेगा वो अप्रॉक्स 6.5 एकड़ रहेगा. इस प्रोजेक्ट के अंदर ही सारी बेसिक फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ आपको मिल जाएंगी. सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट और शुरू करते हैं हम क्लब हाउस से. ये रहेगी मेन एंट्री क्लब हाउस की. सो आइए चलते हैं और देखते हैं अपने क्लब हाउस को. क्लब हाउस की एंट्री में रहेगा लॉन्ज एरिया एंड रिसेप्शन. क्लब हाउस में आपको मिल रहा है प्ले लॉन्ज. प्ले लॉन्ज में आप अपनी सारी इंडोर गेम्स यहां पर इंजॉय कर सकते हैं. प्रोजेक्ट के अंदर ही आपका रहेगा रेस्टोरेंट, जहां पर आप अपना डिनर इंजॉय कर सकते हैं. उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी पार्टी थ्रो करनी है, किटी पार्टी, हाउस पार्टी, तो आप यहां पर वो कर सकते हैं. इसकी कैपेसिटी है अप्रॉक्स 100 पीपल की. आज की डेट में हर कोई फिटनेस फ्रीक है. एंड यस, अगर आप भी जिम जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोसाइटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही आपको जिम मिल रहा है विद द ट्रेनर. एंड यस, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ बुक रीडिंग तो प्रीमिसेस के अंदर ही मिल रही है लाइब्रेरी विद लॉट्स ऑफ बुक्स. और इंडोर गेम्स में आप टेबल टेनिस एंड स्नूकर यहां पर इंजॉय कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज प्रीमिसेस के अंदर ही आपको मिल जाता है बॉक्स ऑफिस विद द कैपेसिटी ऑफ 15 to 20 people, जहां पर आप अपनी मूवीज एंड शो इंजॉय कर सकते हैं. इसके साथ ही यहाँ पर स्विमिंग पूल भी मिल रहा है, जिसमें किड्स सेक्शन अलग रहेगा एंड एडल्ट सेक्शन अलग रहेगा. इसके साथ साथ आप यहाँ पर आउटडोर गेम्स भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें कि टेनिस कोर्ट मिल रहा है एंड बास्केटबॉल कोर्ट मिल रहा है. तो आइए चलते हैं सैंपल फ्लैट की ओर एंड देखते हैं कि एक्चुअल में कितना स्पेशियस और लग्जूरियस फ्लैट है. ये रहेगी फ्लैट की मेन एंट्री. वाओ, एंट्री करते ही आप लग्जरी फील कर सकते हैं. ये 3 BHK फ्लैट है, जिसकी मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो रहेगी अप्रॉक्स 1985 स्क्वायर फीट, जहां पर एंट्री में आपको लिविंग एरिया मिल रहा है जो कि काफ़ी ओपन एंड स्पेशियस है. अगर मैं पर्टिकुलर ड्राइंग एरिया की बात करूं तो इसका साइज रहेगा अप्रॉक्स 10x11 का, जहां पर आप अपना 6 to 7 seater सोफा इजिली प्लेस कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज ड्राइंग एरिया के साथ ही कनेक्टेड है बैल्कनी. इसके साथ ही एडजॉइनिंग है डाइनिंग एरिया, जिसका भी साइज 10x11 का रहेगा, जहां पर आप अपना 6 seater डाइनिंग टेबल इजिली प्लेस कर सकते हैं. उसके बाद भी यहां पर काफी एम्पल स्पेस रह जाती है. सो अब चलते हैं हमारे हार्ट ऑफ द होम किचन की तरफ. किचन आपको फुली मॉड्यूलर मिल रही है विद द फिटिंग ऑफ चिमनी एंड होम. इसके साथ जितने भी आप कैबिनेट्स देख रहे हैं वो सब रहेंगे सॉफ्ट क्लोजर के साथ, जहां पर आप अपना इजीली किचन का स्टफ यहां पर प्लेस कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस किचन इज कि यहां पर ड्राई और वेट सेक्शन अलग है विद द ड्यूअल सिंक. जो टॉप है वो ग्रेनाइट का रहेगा एंड किचन के साथ कनेक्टेड है बैल्कनी. तो अब चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में. इस बेडरूम की अगर मैं पर्टिकुलर साइज की बात करूँ तो वो रहेगा अप्रॉक्स 11x15 का, जो कि अपने आप में काफ़ी स्पेशियस है कि बेड और काउच लगने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी मूवेबल स्पेस रह जाती है. इसके साथ ही रूम के साथ कनेक्टेड है बैल्कनी.
एंड रूम के साथ अटैच्ड है वॉशरूम। इस वॉशरूम में आपको एंटीस्किड सिरामिक टाइल्स मिलेंगे, फुल लेंथ वॉल टाइल्स रहेंगी विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ। फॉर द पर्पस ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन यहाँ पर विंडो दी गई है। जैसा आप वॉशरूम देख रहे हैं वैसा आपको एज इट इज मिलेगा। ये जो वॉल स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर आप अपना LED पैनल प्लेस कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पर इस स्पेस में आप अपने हिसाब से वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। ये तो था फर्स्ट बेडरूम, सो लेट्स गो एंड चेक आउट सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम भी काफी स्पेशियस है। अगर मैं इसके साइज की बात करूँ तो वो रहेगा 11x14 का, जो कि अपने आप में ओपन है कि अगर किंग साइज बेड लगने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी मूवेबल स्पेस रह जाती है। इस रूम में आपको प्रोविजन मिल रही है फॉर AC एंड लाइट्स। एंड यस, जो ये आप वॉल स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना LED पैनल डिजाइन करके प्लेस कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इस बेडरूम के साथ अटैच्ड है बैल्कनी। यस, काफ़ी ओपन एंड वाइड बैल्कनी है जहाँ से आपको ग्रीन पार्क्स और स्विमिंग पूल का आप व्यू इंजॉय कर सकते हैं। बैल्कनी के साथ साथ रूम के साथ अटैच्ड है वॉशरूम। वॉशरूम में भी आपको सेम एज इट इज एंटीस्किड टाइल्स रहेंगी, फुल लेंथ वॉल टाइल्स रहेगी। फॉर द पर्पस ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन यहाँ पर विंडो दी गई है एंड जितनी भी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी ब्रांडेड रहेंगी। वॉशरूम आपको एज इट इज मिलेगा जैसा आप देख रहे हैं। ये तो था सेकेंड बेडरूम, तो अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ जो कि है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिल रही है विद द साइज ऑफ 11x14। काफ़ी ओपन एंड स्पेशियस है कि किंग साइज बेड लगने के बाद और दो काउचेस लगने के बाद यहाँ पर काफ़ी मूवेबल स्पेस रह जाती है। यस, रूम में आपको प्रोविजन मिल रही है AC एंड लाइट की, और जो ये वॉल स्पेस देख रहे हैं इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करके LED पैनल प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ ही रूम में रहेगा अटैच्ड वॉशरूम। इस वॉशरूम में भी आपको एंटीस्किड सिरेमिक टाइल्स मिलेंगी, फुल लेंथ वॉल टाइल्स रहेंगी विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ। इसके साथ इस बेडरूम के साथ भी अटैच्ड है बैल्कनी। सबसे पहले तो पूरे फ्लैट में जितने भी विंडोज रहेंगी वो आपकी UPVC विंडो रहेंगी विद टफन ग्लास, एंड यस मैश डोर भी इंक्लूडेड है। ये वाली बैल्कनी भी काफ़ी ओपन और वाइड बैल्कनी है। यही बैल्कनी हमारे फर्स्ट बेडरूम के साथ एंड किचन के साथ अटैच्ड है। इस वाली बैल्कनी का इस एरिया को आप एज ए यूटिलिटी एरिया यूज़ कर सकते हैं। एंड जो सामने आप व्यू देख रहे हैं ये प्रपोज प्लान है आने वाले कुछ सालों में गोल्फ रेंज का। सबसे बेस्ट पार्ट इस फ्लैट की ये है कि ये बोथ साइड ओपन फ्लैट है। यस, फर्स्ट बैल्कनी जो कि हमारे सेकंड बेडरूम और ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है वहाँ से आप ग्रीन पार्क और स्विमिंग पूल का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, एंड इस वाली बैल्कनी से आप गोल्फ रेंज का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम। एंड यस, इस फ्लैट में स्पेसिफिकली आपको मिल रहा है स्टोर रूम जहाँ पर आप अपना घर का एक्स्ट्रा स्टफ यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। आई होप इस प्रोजेक्ट का ये टूर भी आपको बहुत पसंद आया होगा। वहीं अगर रिव्यूज़ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू माय रिव्यू इस फ्लैट की बेस्ट पार्ट ये है कि ये बोथ साइड ओपन फ्लैट है यानी कि लाइट और वेंटिलेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके साथ साथ आप दोनों साइड से ग्रीनरी इंजॉय कर सकते हैं, एक तरफ गोल्फ कोर्स की ग्रीनरी एंड दूसरी तरफ इंटरनल पार्क्स की ग्रीनरी। एंड सेकेंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है जहाँ से फेमस हॉटस्पॉट्स एंड लैंडमार्क्स अवेलेबल हैं विद इन द ड्राइव ऑफ 4 to 5 minutes। अगर आप अपने लिए घर लेने की सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर ढूंढ रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना एक फ़ायदेमंद ऑप्शन है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या आपकी कोई भी क्वेरी है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट रिव्यू के साथ। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु।